अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नकी बुला वज़ीर दी खान ट्रेवलर की जानिब से। तो नाज़रीन, आज हम थाईलैंड में जो धोखाबाजी होती है उसके बारे में आपसे बात करते हैं, थाईलैंड स्कैम के बारे में। नाज़रीन, आप जब भी थाईलैंड चले जाएं तो वहां पे कुछ स्कैम्स होते हैं, उससे आपने बच के रहना है। ये सिर्फ थाईलैंड में नहीं, काफ़ी ममालिक में स्कैम्स होते रहते हैं, लेकिन आपने ख़ुद को मुहतात ही रखना होगा। तो सबसे पहले जो एक स्कैम है वो ये है कि थाईलैंड में चूंकि बैंकॉक वो है मरकज़ उसका कीमती स्टोन्स का, जेम्स का, तो ख्याल करें कि वहाँ पे आप गलत पत्थर चूज़ करके पंस ना जाएं। कोई भी आपके ऊपर डायमंड कह कर कोई आम स्टोन भेज सकता है, आप ये समझेंगे कि ये डायमंड है, लेकिन वो असल में डायमंड नहीं होता, बल्कि वो कोई आम सा पत्थर हो सकता है। इसी तरह कुछ रूबीज़ या और जो कीमती पत्थर हैं तो वो भी वहाँ पे बेचे जाते हैं। अच्छा खासा मरकज़ है थाईलैंड, तो इस स्कैम से आप बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट दो नंबर पर जो स्कैम है वो है कि आप जब भी कभी किसी स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई टैक्सी वाला या टुक टुक वाला आपसे कहता है कि गाड़ी जो है ट्रेन वो फुल है, इसमें कोई जगह नहीं है, या गाड़ी जो है नहीं आएगी, तो आप उसकी बात पर एतमाद ना करें, एतबार ना करें, बल्कि आप ख़ुद ही स्टेशन जाके वहाँ से मालूमात करें। तो वो ये कि टैक्सी वाला टुक टुक वाला आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि वो लालची होता है आपको ख़ुद अपनी गाड़ी में ले जाने का। तीसरे नंबर पर जो स्कैम है वो ये है कि चूंकि टुक टुक वाले जो हैं रिक्शे में वो मीटर नहीं होता, तो मतलब उससे पहले से ही आपने पैसे तय करने होंगे और फिर आप उसके साथ जाने की कोशिश करें। चौथे नंबर पर जो स्कैम है कि अक्सर जो यानी तमाम टैक्सियां जो हैं थाईलैंड में वो उनके अंदर मीटर फिक्स होता है, तो ड्राइवर कोशिश करेगा कि वो आपको मीटर के बग़ैर ले जाने की, तो आप मीटर के बग़ैर पैसे दे ना करें, बल्कि मीटर के थ्रू ही जाने की ज़िद करें। अगर वो आपको नहीं ले जाने देता तो आप उसको जाने दें, फिर नेक्स्ट कोई गाड़ी आएगी उसके साथ आप जाने की कोशिश करें। लेकिन एक बात ये याद रखें कि वो टैक्सी वाला हो सकता है आपको इधर उधर घुमा के ले जाए अपनी जगह पर, या आप जिस जगह पर नहीं जाना चाहते वो कोशिश करेगा कि आपको इधर उधर घुमा के फिर अपनी जगह पर पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उससे ये होगा कि उसका मीटर जो है वो बढ़ेगा, उसके पैसे ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपके पास मैप हो तो आप मैप को फॉलो करके आसानी से जा सकते हैं, यानी आपके पास पहले से या मैप हार्ड कॉपी में, या आपके पास अगर एंड्रॉयड सेट में ऑफलाइन मैप होता है वो इंस्टॉल किया होगा पहले से, तो आप आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, आपने ये भी कोशिश करनी होगी कि कोई भी आपको रास्ते में वो दाने दे सकता है कि ये इन परिंदों को खिला दो, या फिर आपको रास्ते में कोई आदमी आपको मिल सकता है कि ये चीज़ ये केले हैं या ये घास है, ये इस हाथी को खिला दो, तो ये मुफ्त में नहीं होता, बल्कि वो फिर बाद में आपसे पैसे चार्ज कर लेता है, और फिर वो कहता है कि मतलब आप मुझे पैसे दे दें, तो वो आपसे पैसे लेता है, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों में ना पड़े। नेक्स्ट जो पॉइंट है छठे नंबर पर वो है फेक मनी का, जो आम कई ममालिक में ये होता है अक्सर कि टैक्सी वाला या टुक टुक वाला या कोई भी शॉपकीपर जो है वो जब आप कोई नोट दे देते हैं तो वो इतनी पूर्ति के साथ उसको बदल लेता है, वो आपका सही नोट रख लेता है और वो जेली नोट निकाल के आपको दिखा देता है कि और कहता है कि आपका नोट तो जेली है, ये ले ले, मुझे कोई दूसरा नोट दे दे, तो वो असल में उसने बदल दिया होता है,
तो आप उसके ऊपर नज़र रखें। सातवां नंबर पर जो पॉइंट है वो है होटल बुकिंग के मुतल्लिक, वो ये कि आपने जिस होटल का बुकिंग करनी हो पहले से ही उसके वो व्यूज़ देखें कि मतलब कैसा है वो होटल, फिर उसके बाद ही आप बुक करें उस होटल को या हॉस्टल को। और फिर अगर कहीं वो पैसे कुछ इस तरह से मांगता हो कि जो आपने उसमें डिमांड नहीं की है या कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है और वो पैसे मांगता है, तो उसको वो पेमेंट ना करें। आठ नंबर पर जो स्कैम होता है वो ये कि आप किसी डेस्टिनेशन पर जाने की कोशिश करते हैं तो कोई भी आपसे कहते वो टुक टुक वाला या टैक्सी वाला आपसे कहता है कि ये जगह तो आज बंद है या छुट्टी है इस वक्त, तो वो फिर आपको दूसरा ऑफ़र देता है कि चलो मैं आपको फलानी जगह ले चलता हूँ, आप मेरे साथ चलें। तो उसका भी एतबार ना करें, जाके उस जगह पे वो कंफर्म खुद करें क्या या वो बंद है या नहीं है। नौ नंबर पर स्कैम जो है वो है कि जो आप रेंट पे मोटरसाइकिल लेते हैं या कोई बोट या जेट लेते हैं, तो उसका स्कैम होता है अक्सर ममालिक में जो है मसलन इंडोनेशिया बाली में या थाईलैंड में मलेशिया में साइकिल भी मिलता है, तो या तो साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी सवारी है वो मालिक जो है वो आपको जब हवाले करता है तो आप उसकी वीडियो बनाएं, उसका आगे पीछे से देखें और जो डैमेज हो वो उस मालिक को बताएं कि ये पहले से मैं आपसे लेके जा रहा हूं लेकिन ये जगह इसकी ख़राब है। बाद में ये होता है कि आप जब उसको वापस लेके आते हो और आपने देखा ना हो तो वो मालिक जो है मोटरसाइकिल का या बोट का या साइकिल का, तो वो ये दावा करता है कि ये देखें आपने इसको डैमेज किया है, ये आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप मुझे इसके पैसे दे दें। तो उससे बचने के लिए ये चीज़ एहतियार करें कि उसकी फ़ोटोग्राफ ले लें या कोई वीडियो बना लें, फिर उसके बाद ख़ुद को मुतमईन करें। तो ये थी कुछ ऐसे स्कैम जो अक्सर ममालिक में होते रहते हैं। जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।